Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes, online classes. This is statistics lecture number 12. Okay, यहाँ पर जो 11 लिखा हुआ है actually इसी 11 लेक्चर को हमने आगे कंटिन्यू किया है. लास्ट लेक्चर में जो है वो टाइम के शॉर्टेज के वजह से हमने उस लेक्चर को छोटा कर दिया था, है ना, सिंक कर दिया था. सो दिस इज लेक्चर नंबर 12. ओके, सो आई थिंक वी वर एट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. और कल के दिन हमने ये देख लिया था कि हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय फैमिली बजट मेथड. फैमिली बजट मेथड जिसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था ये सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू. सो व्हाट टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व, वी आर टुडे गोइंग टू सॉल्व विद द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड. कल एक्सप्लेन किया था, आज वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इज नथिंग बट द इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट ईयर and index number of past year. If you can see the formula is sigma p1q0 divided by p0q0. Means we are writing it as sigma pq divided by sigma pq, and we are assigning what? 1000, 100 and 0. Similarly, for the past year's index number, sigma pq divided by sigma pq, and we are assigning what? 1101. Okay, so thus it became sigma p1q1 divided by p0 Q0. So hopefully you have got this. Okay. So कल के दिन हमने ये जो क्वेश्चन है 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने देख लिया था, इसके आंसर्स भी हमने देख लिए थे और कम्प्लीटली हमने इसे समझ लिया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम 1.4. ओके, सो आई एम रीडिंग द हेडलाइन. द फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 बाई फैमिली बजट मैथड from the following data about price and assumption of food items and interpret it. Okay, तो ये भी हमें same family budget method से ही करना है. So beg your pardon. Okay, so ये जो question दिया हुआ है एकदम exactly clear है. Okay, इसमें थोड़े से changes हैं last time के comparison में. I think year 2010 is given and year 2014 is given. So as we know, जो current year है वो वन से डिनोट किया जाएगा. जैसे कि ये प्राइस है तो ये हो जाएगा पी वन, ठीक है. और जो प्रीवियस ईयर है वो ज़ीरो से डिनोट किया जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू ज़ीरो और ये हो जाएगा पी ज़ीरो. ओके, सो दस वी विल हैव द टेबल्स ऑफ क्यू ज़ीरो पी ज़ीरो एंड पी वन. ओके, मूव टू द आंसर. यहाँ यूनिट कन्वर्जन तो है नहीं. ओके, सो आंसर पे अगर मूव करते हैं तो यहाँ से आप जो देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है वर्टिकल फॉर्मेट में, ठीक है. अब हम जानते हैं कि अगर आपको वेटेज ना दिया हो तो वेटेज का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर. वेटेज कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस वेटेज डब्ल्यू इज इक्वल पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो, है ना. वेटेज क्या हुआ, पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो. सो व्हाट वी नीड टू मल्टीप्लाई पी ज़ीरो एंड क्यू ज़ीरो टू गेट वेटेज. ओके, सो हियर वी हैव पी ज़ीरो एंड क्यू ज़ीरो, यस और नो? Yes, we have. So that's I had multiplied with 15 into 60, 32 into 40. Okay, इस तरह से आपको ये जो टेबल है वो मिल जाएगा. Okay, so next W मिल गया. इसके बाद हमें चाहिए होता है I, क्योंकि हमें फाइंड करना है I W. And I means what? Price relative in percentage. Price relative in percentage, जिसका फॉर्मूला क्या है, P1 divided by P0 into 100, है ना. इसका फॉर्मूला ये जो देख रहे हो ये इसका फॉर्मूला है, पी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो इंटू हंड्रेड. ओके, सो वी हैव पी वन, यस. वी हैव पी जीरो, यस. 18 डिवाइडेड बाई 15 इंटू हंड्रेड, आंसर 120. सेम 40 डिवाइडेड बाई 32 इंटू हंड्रेड, आंसर 125. 14 डिवाइडेड बाई 12 इंटू हंड्रेड, सेम आप कैलकुलेट कर सकते हो. 70 डिवाइडेड बाई 50 इंटू हंड्रेड, आंसर इज 140. सो वंस यू आर मल्टीप्लाइड, सॉरी, वंस यू गॉट गेट प्राइस रिलेटिव in percentage and we have W, so our last work for the table find what, IW. So here we have IW. IW can be found by using multiply this two. Okay, so ye multiply karne ke baad aapko ye values mil gayi. So you have W, you have I, you have IW. What we need is, we need the sigma IW and sigma W. Matlab IW ka total chahiye aur W ka total chahiye. Yes, we have. See, W's total is 3610 and IW's total is
464006. Okay, so we are moving ahead with the formula. So here we had applied formula, substitute the values, and the answer is 128.53. okay, so I think you have got this. सो फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप एज वी नो ऑल ऑफ यू हैव माई पर्सनल कॉन्टेक्ट डिटेल. आई एम टॉकिंग टू माई पर्सनल स्टूडेंट्स. ओके, सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग. अगर मैं आपके होमवर्क की बात करूँ, तो आप ये दो क्वेश्चन जो है इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, और 1.3 के बाद के दो एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करना है. ठीक है, कितने? दो एग्जाम्पल्स. यहाँ पे ऑल इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है. एक्चुअली ये 1.4 पूरा का पूरा होमवर्क है. अगर आप समझ गए हो अच्छी तरह से, तो आप कर सकते हो. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू. स्टे होम एंड स्टे सेफ.